गाइस, इस वीडियो में हम लोग रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ मींस ए रूल ऑफ नेचर, बी रूल ऑफ प्रोसीजर, सी रूल ऑफ मैन एंड फोर्थ परसुएसिवनेस ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉ एंड टू अवॉइड आर्बिट्रेरीनेस। गाइस इसका आंसर है डी, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन है, केसी डेविस इन हिज बुक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गेव सेवरल मीनिंग्स ऑफ अ टर्म रूल ऑफ लॉ, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। ए फिक्स्ड रूल ऑफ लॉ, बी एक्सक्लूजन ऑफ डिस्क्रिशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नॉ बी। इसका आंसर है गाइस सी, बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स उसे फिक्स्ड रूल ऑफ लॉ एंड एक्सक्लूजन ऑफ डिस्क्रिशन। गाइस थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू डाइसी द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ मे बी डिस्कस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स, इक्वालिटी आफ्टर लॉ, इक्वालिटी ऑफ फिक्स रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी अंडर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो इसका आंसर है गाइस डी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कन्फर्म द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। ए नो पर्सन शुड बी मेड टू सफर, बी ऑल थिंग्स शुड बी डन अकॉर्डिंग टू लॉ एंड नॉट अकॉर्डिंग टू विम, सी एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, डी लॉ इज सुप्रीम एंड नो वन इज अबव लॉ। गाइज इसका आंसर है ए, नो पर्सन शुड बी मेड टू सफर, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द टर्म रूल ऑफ लॉ। ए एवी डाइसी, बी मॉन्टेस्क्यू, सी थॉमस एक्विनस, डी एडवर्ड कोक। गाइज इसका आंसर है एडवर्ड कोक, डी। हम लोग देखते हैं सिक्स क्वेश्चन हमारा है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स एवी डाइसीज रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 30। गाइस इसका आंसर है आर्टिकल 14। सेवेंथ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू रूल ऑफ लॉ। ए इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायण, बी एडीएम जबलपुर वर्सेज एसके शुक्ला, सी एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, डी जयसिंह घनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। गाइज इसका आंसर है सी एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। लोग डी देखते हैं, सॉरी एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, प्रोफेसर डाइसी गेव फॉलोइंग थ्री मीनिंग्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। ए एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर और सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, बी इक्वालिटी बिफोर लॉ, सी द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। आउट ऑफ द अबव एस्पेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू इंडियन सिस्टम। गाइज इसका आंसर है ए एंड बी बोथ, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, बी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। नाइन्थ देखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू ए वी डाइसीज फॉर्मुलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, इट डिनोट्स टू मीनिंग, फाइव मीनिंग, थ्री मीनिंग और सिंगल मीनिंग, ठीक है। गाइज इसका आंसर है सी, थ्री मीनिंग्स। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा, द टर्म रूल ऑफ लॉ इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच फ्रेज ला प्रिंसिपले डी लीगलाइट, ठीक है, विच मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। गाइज इस मैगजिम का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, फ्रेंच मैगजिम है ये, प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी होती है ये। इलेवेंथ देखते हैं हम लोग, इन इंडिया द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट इज एसेंशियली ब्रिटिश एंड द होल कलेक्शन ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस हैव अपेरेंटली बीन इनकॉर्पोरेटेड एज कन्वेंशंस। इस ऑब्जर्वेशन ऑफ, ये किसने कहा था, किसने ये लाइन कही थी? गाइज इसका आंसर है ए वी डाइसी, ठीक है, इन्होंने इनका ये ऑब्जर्वेशन था, ए वी डाइसी का ये ऑब्जर्वेशन था। क्वेश्चन नंबर 12, रूल ऑफ लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच फेस, जर्मन फेस, कॉमन लॉ फेस और लैटिन फेस। गाइज ये फ्रेंच फेस है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था, ये फ्रेंच फेस है। क्वेश्चन नंबर 13, रूल ऑफ लॉ मीन्स गवर्नमेंट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मैन एंड नॉट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लॉजिक एंड नॉट ऑन लीगल प्रिंसिपल्स, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन आर्बिट्रेरीनेस। गाइज इसका आंसर है ए, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। 14th देखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू डाइसी वॉट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। ए सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, बी इक्वालिटी बिफोर लॉ, सी प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, डी ऑल ऑफ अबव।
इसका आंसर है गाइस ऑल ऑफ अबव, ये तीनों जो दिए हुए हैं ए बी सी एज पर डाइसी, ये रूल ऑफ लॉ है। हम लोग 15 पे आते हैं। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव इज रिलेटेड टू फ्रेंच लीगल सिस्टम, इंग्लिश लीगल सिस्टम, अमेरिकन लीगल सिस्टम और जर्मन लीगल सिस्टम। गाइस रूल ऑफ लॉ का ओरिजिन जो था वो फ्रेंच था, वो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन का है। फ्रेंच इसका टर्म भी है, हमारा जो मैक्सिम है जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये, तो ये फ्रेंच लीगल सिस्टम है। ठीक है, 16th क्वेश्चन देखते हैं। केसी डेविस हैज असाइंड हाउ मेनी प्रिंसिपल टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, 6, 7, 3 और 4? गाइज इसका आंसर है बी, 7। 17th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक ऑब्जर्वेशन है जिसको हमें बताना है किसका है। रूल ऑफ लॉ एम्प्लाइज स्टेट ऑफ अफेयर्स वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, वेयर लॉ इज ऑब्जर्व बाई एवरी वन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिसर, वेयर द एक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज बैक्ड बाई लॉ, वेयर एवरी मैन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड एश्योर दैट ही विल नॉट बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर वॉयलेशन ऑफ लॉ, वेयर केस रिलेटिंग टू वॉयलेशन ऑफ लॉ और डिस्प्यूट्स एज टू राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइडेड बाई द इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स। दिस वॉज ऑब्जर्व बाई केसी डेविस, एवी डाइसी, एडवर्ड कोक, विलियम वेड। गाइज इसका आंसर है ए, केसी डेविस, इनका ऑब्जर्वेशन था ये। 18th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन इंग्लैंड रूल ऑफ लॉ वॉज डेवलप्ड बाई केसी डेविस, एवी डाइसी, एडवर्ड कोक, विलियम वेड। गाइज इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ को डेवलप करने में सबसे ज्यादा हाथ था हमारे डाइसी का, एवी डाइसी। जो हमारा आंसर है वो इसका सही है, दैट मीन्स उसे बी आंसर सही है। हम लोग अब थोड़ा सा उस पर आते हैं, ये हमारे जो केसेस केस लॉ होते हैं इसकी हम लोग बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट वी हैव अडॉप्टेड अंडर अवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट द कॉन्टिनेंटल सिस्टम बट द ब्रिटिश सिस्टम अंडर विच द रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स। कौन से केस में ऐसा बोला गया था? ये बोला गया था स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस भरत सिंह में। ये ए आंसर हमारा इसका सही है। 20 देखते हैं हम लोग। रूल ऑफ लॉ इज एंथेसिस ऑफ आर्बिट्रेनेस इन ऑल सिविलाइज सोसाइटीज। गाइज ये ऑब्जर्वेशन जस्टिस खन्ना का था, एचआर खन्ना का था हमारे, जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी थी, जस्टिस एचआर खन्ना। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। 21 देखते हैं हम लोग, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी मैं बताना है किस कौन से जस्टिस का है। रूल ऑफ लॉ प्रिमेट्स थ्रू द एंटायर फैब्रिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडीड फॉर्म वन ऑफ इट्स बेसिक फीचर। वॉज ऑब्जर्व बाई जस्टिस भगवती, जस्टिस दलवीर भांडेवर, जस्टिस नागेंद्र सिंह, जस्टिस चंद्रचूड़। गाइज जस्टिस भगवती का ये ऑब्जर्वेशन था, तो ऑप्शन ए सही है। हम लोग 22 पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल ऑफ लॉ, देयर कैन नॉट बी एनी रूल ऑफ लॉ अदर देन द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ लॉ। वॉज ऑब्जर्व इन द केस ऑफ, गाइज ये एडीएम जबलपुर का है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला इसका राइट आंसर है। 23 पे आते हैं गाइज हम लोग। 23 क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूट्स द कोर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। वॉज ऑब्जर्व इन द केस ऑफ डीसी वाधवा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ऑप्शन ए राइट है इसका। 24 पे आते हैं हम लोग। 24 क्या है? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ रूल ऑफ लॉ अपॉन विच अवर कॉन्स्टिट्यूशन एडिफाइज इज बेस्ड। वॉज ऑब्जर्व इन केस ऑफ, गाइज इसका आंसर भी ए है, सोमाराज वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में ये ऑब्जर्वेशन था जो दिया हुआ है हमारा। इसके बाद हम लोग आते हैं रूल ऑफ 25th पे आते हैं। 25th क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारा? 25th हमारा है रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक रूल ऑफ गवर्नेंस ऑफ एनी सिविलाइज डेमोक्रेटिक पॉलिटी। वॉज ऑब्जर्व इन द केस ऑफ, ये अरुंधति राय का केस था गाइज, रेफरेंस आइए ग्रे अरुंधति राय, इसका सही है बी ऑप्शन इसका सही है। हम लोग 26 देखते हैं। द टर्म रूल ऑफ लॉ वॉज क्वाइंड बाई, गाइज इसका आंसर है एडवर्ड कोक। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है इसका। 27 गाइज क्या कहता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ
प्राइमरली डज नॉट कंसर्न इट्सेल्फ विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल फंक्शंस, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, क्वासी जुडिशियल एक्शन और प्राइवेट लॉ। गाइज इसका आंसर है डी, प्राइवेट लॉ। गाइज हमने रूल ऑफ लॉ के कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देखेंगे। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। थैंक यू।